मैं इस तरह की योजनाओं का विरोध करता हूं और मैं बोलता हूं कि ये घोषित तरीके से इनडायरेक्ट वे में वोटों की खरीद फरोख्त है, चाहे वो बीजेपी 15 लाख का वादा करे और चाहे कांग्रेस 12 हजार का करे। उसी स्टेप में था 5 साल कोई स्टेप नहीं उठता है आप लोगों का नेताओं का। चुनाव सरकार में नहीं है, हम लोग सरकार में नहीं है। अगर हम सरकार में आना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो कोई देना पड़ेगा जनता को। तब आपने सारे सरकारों की हालत यही है, तभी 70 सालों से मैं बोलता हूँ कांग्रेस बेरोजगारी दूर नहीं कर पाई, तो बीजेपी और दूसरी पार्टियां भी तो बेरोजगारी ही मेन मुद्दा बना रही है। देखिए आप इस गैप को समझिए, मैं बोलता हूँ कि सारे नेताओं को चुनाव के 1 महीने पहले ही उनके दिमाग इतना तेज हो जाता है कि ऐसी ऐसी योजनाएं आती हैं, 5 साल तक आती नहीं है। आपने बोला टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड क्यों हो जाती है स्कीमों के लिए, मैं करेक्शन करूंगा, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड नहीं होती है। 2 महीने इलेक्शन के बाद देखिएगा ये जो ऑफर है ना, null and void, यानी this offer is limited up to only last day of voting, term and condition applied वाली भी हो तब भी देश का विकास हो जाए, चुनाव के बाद तो वो पूरा ऑफर ही invalid हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि वो उद्देश्य ही यही है कि शॉर्टकट तरीके से ज्यादा वोटर को हम अपने फेवर में करें। और एक चीज और है, देखिए संदीप जी, ए के मिश्रा जी का रुख करूंगी। मिश्रा साहब, जिस तरह से पवन जी कह रहे थे, संदीप जी कह रहे थे, सरकार की उपलब्धियां और सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, लेकिन क्या लगता है जमीनी मुद्दे अभी यहां पर उनका जिक्र नहीं किया जा रहा है? बेरोजगारी वही की वही है, गरीबी वही की वही है, और आप न्यूनतम आय वहां पर देने की बात की जा रही है, उसमें रोजगार देने की बात क्यों नहीं की जा रही है, गरीबी हटाने की बात क्यों नहीं की जा रही है? स्वाति, बड़ा जीनियस क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताऊं, 70 साल से जो मुद्दे थे वो मुद्दे आज भी वैसे ही हैं, पहले चुनाव से लेके अब तक, तब भी गरीबी, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का था। देखिए एक टर्म होता है चुनावी पैकेज, ये जो चीजें हैं ये कोई दिल से करने वाली चीजें नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अब ये चीजें हो क्यों रही है मैं आपको बताता हूं। देखिए आप किसी को ये बोलिए जनता को कि हम सरकार में आएंगे तो 20 साल में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ऐसी सड़क बनवाएंगे, तो वोट बटोरने में वो उतना इफेक्टिव, उतना क्विक, अभी 1-2 महीने बाकी हैं, इसी 1-2 महीने में तुरंत जितने भी वोटर हैं उन सबका ध्रुवीकरण करना है, अट्रैक्ट करना है। आप याद करिए 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक ऑप्शन रखा था, 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब, जब वोटर को, किसी आदमी को सीधे ये चीज दिया जाता है कि भाई इतने लाख रुपए, इतने हजार रुपए महीने आ जाएंगे, तो वो आदमी तुरंत प्रभावित हो जाता है और इस आस में कि ये सरकार आएगी तो हमको बैठे बिठाए ये इतनी चीजें मिलने लगेंगी, इतना पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो एक जो है, एक तरीके से वो सरकार या वो नेता जो इस चीज को डिक्लेयर कर रहा है, वो उसके लिए कमिंग इलेक्शन में मसीहा बन जाता है। इसीलिए मैं इन सब चीजों को चुनावी पैकेज बोलता हूं। मोदी जी ने बिहार में भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का दिया था बिहार को पैकेज, और ये अभी देखिए 12 हजार, ये नहीं, वो मुद्दे कहां गए जो 5 साल तक चलते रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भारत को महाशक्ति बन। मैं पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूं, जिन चीजों पे कांग्रेस अटैक करती रही है लगातार 5 साल, वो सब छोड़ के केवल कैश कैश कैश, सारे लोग कैश में क्यों आ गए हैं? कांग्रेस बोल रही है हम कैश देंगे 12 हजार रुपए महीने, अब बीजेपी बोल रही है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे बेनिफिट वाले मुद्दों को देंगे, सारे मुद्दे जो है वो एकदम नेपथ्य में चले जाएंगे और ऐसे बेनिफिट वाले मुद्दों को ऑफर देंगे, ये चीजें आगे जाके। लेकिन पवन जी, ये तो स्टेटस गिराने की बात हो गई ना, ए के मिश्रा साहब, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, इस योजना का जिक्र किया जा रहा है, क्या लगता है एक जो आलस एक तरह से देखा जाए इससे ये फैलेगा, और जो लोगों की काम करने की क्षमता है उस पर भी इसका असर पड़ेगा, कि भाई जब फ्री में इस तरह से बिना मेहनत किए अगर पैसे मिल जा रहे हैं तो क्यों मेहनत की जाए? स्वाति देखिए, ये इस तरह की योजनाएं होती क्या है, आपने सुना होगा जो कि एक क्राइम है, एक गुनाह है, कि चुनाव के टाइम पे नेता लोग पैसे देके वोट खरीदते हैं। इस तरह की जितनी भी योजनाएं होती हैं, मैं इनको ये बोलूंगा कि ये घोषित तरीके से वोटों को खरीदने का ये मुद्दा है, यानी एक तरीके से कांग्रेस या कोई भी पार्टी अगर ये बोल रही है तो ये सीधा सीधा इनडायरेक्ट एक प्रलोभन है, आप मुझे वोट दो और महीने के बैठ के आप 12 हजार रुपए लो। सेकेंड, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे देश की जो संस्कृति और संस्कार रही है हमेशा आदमी को उद्यमी बनाने की रही है, न कि इस चीज की रही है कि आपको इतनी सुविधाएं मिल जाएं। एक कहावत है हम लोगों के गांव में, जिसका जितना जतन उसका उतना पतन। आप अगर ये 12 हजार रुपए महीने ऐसे दे देंगे
और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जो नीडी है वही पहुंच रहा है। हर योजनाओं में यही चीजें हुई हैं 70 सालों में, तभी अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी तो नहीं कर सकती है, बहुत टाइम चाहिए। तो इसका होगा क्या, जब आदमी को एक एश्योर्ड रिटर्न मिलने लगेगा ना, तो वाकई में उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। और ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जैसे जड़त्व का नियम होता है ना, तो जो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगा। मान लीजिए आपने 12,000 रुपए दिए, वो परिवार के मुखिया के पास गया, अब इस चीज की क्या गारंटी है कि वो विवेकशील होते हुए पढ़ाई में लिखाई में प्रोग्रेस पे लगाएगा, उस पैसे का गलत यूज नहीं करेगा। फ्री में पैसा आना जो होता है वो वाकई में, कहावत भी है ना कि ज्यादा लाड़ प्यार या फ्री में जो चीजें मिलती है आदमी कीमत नहीं समझता। मैं इस तरह की योजनाओं का विरोध करता हूं और मैं बोलता हूं कि ये घोषित तरीके से इनडायरेक्ट वे में वोटों की खरीद फरोख्त है, चाहे वो बीजेपी 15 लाख का वादा करे और चाहे कांग्रेस 12,000 का करे। दूसरी चीज ये, अभी 3 राज्यों में इन्होंने सरकार बनाई कि हम कर्ज माफी करेंगे, क्या कर्ज माफी में हुआ? राजस्थान में खुलेआम मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि इनके लोगों ने जिनको लोन मिला तक नहीं है उनके अकाउंट में एडवांस कर्ज माफी का पैसा आ गया। कुछ कहना चाहते हैं जी, वो भाजपा के लोग थे, अगर रिपोर्ट देखे कर्ज माफी आप कर रहे हो और ले भाजपा के लोग रहे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जो बैंक अकाउंट खुले हुए हैं फोर्स तरीके से खुले हुए हैं, वो आपकी वसुंधरा राजे इंडिया के सरकार के जमाने का अकाउंट है। अरे उसमें जो लोन माफी के कागज, लोन माफी का पैसा आपने ट्रांसफर किया, लोन माफी आप लेके आए आपकी सरकार। अरे सीधा कहिए कि आपने कमीशन खाया इसलिए आपने ट्रांसफर किया। दूसरी चीज करके वो, अरे सुनिए शर्मा जी, गरीब और बेरोजगार तो वही का वही है, चाहे कांग्रेस की जन सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो। वादे और दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं लेकिन हर कोई ये कहता है कि हमने सबसे अच्छा काम किया, लेकिन हम जिस तरह से हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और देखते हैं कि गरीब की स्थिति वैसी है जैसी आज से 10 साल पहले थी, और बेरोजगार भी आज का जो युवा है वो भी बेरोजगारी पर बोलते हुए नजर आ रहा है और कह रहा है रोजगार नहीं है, डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं है। स्वाति आपकी बात सही है, देखिए आजादी के बाद अगर 10-15-20 साल की बात हम छोड़ दे, इसका बड़ा क्रिटिकल एग्जाम्पल है, बैसाखी के सहारे रेस नहीं जीती जा सकती है। जबरदस्ती का सपोर्ट देने से आप किसी के अंदर योग्यता पैदा नहीं कर सकते हो। जिनको जरूरत है डेफिनेटली, जैसे फूड के लिए आप एश्योर्ड आपने किया हुआ है कि भाई आप अगर किसी को खाना नहीं मिलता है, वो चीज तो समझ में आती है कि बहुत सस्ते रेट पे है वो जाके खा ले। कुछ स्टेट में ऐसे चलते हैं, ये महाराष्ट्र में झुड़का भाकर केंद्र चलता है। आप ये देखिए, बीजेपी ने ठीक चुनाव के पहले 5,000 रुपए का एक किस्त जो है ट्रांसफर कर दी किसानों के लिए, उन्होंने किया था 500 रुपए महीने का। आप ये देखिए, चुनाव के पहले, इसके पहले 5 साल गुजर गया। सारे पार्टियों को मैं बोलता हूं, 70 साल 5 साल 20 साल आपने राज किया, आपको याद ही नहीं आता है? आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था थी जो कि 70 साल से चल रही है, लेकिन मुद्दा वही का वही है कि दलित तो जी आज भी दलित है, वो ऊपर नहीं उठ पाया। बिल्कुल शरद जी, आपका रुख करें, बिल्कुल शरद जी, एके मिश्रा साहब महत्वपूर्ण बातें कही है यहाँ पर शरद जी ने कि रोड मैप तैयार करके दीजिए। अगर आप रोजगार का जिक्र करते हैं, आप मेक इन इंडिया का जिक्र करते हैं, तो रोड मैप तैयार करके दीजिए कि इस तरह से हम इस ये स्रोत लेकर आने वाले हैं बेरोजगारों के लिए, जिसमें आय के स्रोत बढ़ाए जा सके, ना कि इस तरह की स्कीम लॉन्च करने की जरूरत हो। लोग मेहनत करें और अपनी कमाई करें। स्वाति देखिए, जो आप रोड मैप की बात कर रही है ना, स्ट्रेटजिक अगर तरीका देखा जाए तो वाकई में वही है। एक सॉलिड प्लान हो, फेज वाइज प्लान हो कि एक साल में हम इतना कर लेंगे, उसके बाद ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन है क्या, ये चीजें हो क्यों रही है? देखिए अभी राजस्थान वगैरह में चुनाव हुआ, पार्टी ने, कांग्रेस ने बोल दिया हम किसानों को ये कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, जीत गए। शॉर्टकट तरीका क्या है चुनाव जीतने का? कोई भी रोड मैप, कोई भी इनके वायदे होते हैं, अभी अभी इनसे कांग्रेस से या बीजेपी से ही पूछ लीजिए आपका क्या रोड मैप है, कोई रोड मैप है ही नहीं। क्योंकि वो उद्देश्य ही यही है कि शॉर्टकट तरीके से ज्यादा वोटर को हम अपने फेवर में करें। और एक चीज और है, देखिए कांग्रेस ने जिस तबके के लिए ये चीज चलाया है, और ऐसे ही बीजेपी ने जब किसानों को बोला कि हम इतने पैसे देंगे, वो चुनाव हारने के बाद जो है तो साल में 3 या 4 किस्तों में देंगे, हुआ क्या, उनको लगा कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक है, जिन लोगों को कांग्रेस ने ये मतलब बोला है कि हम इन तबके के लोगों को देंगे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कोई रोड मैप नहीं है। रोड मैप के साथ अगर ये लोग करते तो सीधे जो है उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सॉलिड वे में काम करने की, इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। ये रोड मैप केवल इन्होंने चुनाव जीतने के लिए ये रोड मैप इन्होंने तैयार किया हुआ है।
जनता को इन्फ्लुएंस करो, जनता को बदलाओ। चुनाव जीतने का ये रोड मैप है। देखिए रोड मैप आपको पैरेलली दोनों तरफ चलना पड़ेगा। आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जहां नौकरियां जनरेट करनी पड़ेगी, साथ साथ में आपको किसान को भी मजबूत करना पड़ेगा। अगर 6,000 रुपए साल हमने किसान को देने की बात की, वो भी छोटे किसान को, जिसको बैंक अपने दहलीज पे नहीं चढ़ने देता था और लोन नहीं देता था, तो उसके सबसे बड़े कारण ये था कि किसान की जो छोटा किसान था वो कहीं ना कहीं वहां से माइग्रेट होकर भाग चुनाव हारने के बाद। और 2019 चुनाव के 2 महीने पहले आपने दिया है, देखिए 5 साल तक क्यों नहीं दिया? 5 साल तक आप लोगों को सरसारी सरकारों को 70 साल से आप लोगों को किसानों की हालत नहीं पता है? 5 साल हम इकोनॉमिकली इतना अब तक ये संदीप जी का कहना है कि अब तक वो आर्थिक रूप से उस तरह से स्ट्रांग नहीं थी सरकार, इसलिए इस तरह का ऐलान नहीं किया गया। 2 महीने पहले ही स्ट्रांग हुई है और अब ऐलान कर दिया। पहले भी स्वाति जी, मैं चार साल तक सरकार स्ट्रांग ही नहीं थी। 4 साल 11 महीने तक ना पक्ष ना विपक्ष उनके दिमाग में आया ही नहीं। पूर्वांचल में कॉरिडोर बना लो, चुनाव होंगे तो बुखार लग जाएगी। पहले वो सशक्त नहीं थी या आर्थिक रूप से पैसा नहीं था, ऐसा नहीं है। 2016 में नोटबंदी की गई, पक्ष विपक्ष के बाद जीएसटी लाया गया। सरकार का निरंतर ये प्रयास रहा है कि आर्थिक रूप से सशक्त रहे, लोगों के फायदा। मुझे नहीं लग रहा कि उनके जो नेतृत्व है वो उनकी बात को सुन के, इस बात को सुन के खुश होंगे कि सरकार अभी तक तैयार ही नहीं थी। 2 महीने पहले सरकार को सारे रिसोर्सेस आ गए और उन्होंने अनाउंस कर दिया। इस बात को संदीप जी कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपकी सरकार जिस दिन से आई है उसी दिन से उसका सशक्तिकरण आर्थिक रूप से भी शुरू हो गया। इसीलिए नोटबंदी की गई, इसीलिए जीएसटी लाया गया, इसीलिए जितनी भी योजनाएं लाई गई। अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त नहीं थे तो कोई भी योजना नहीं आ सकती थी। नहीं देखिए पवन जी आप हर चीज की प्राथमिकता होती है, प्राथमिकता के बीजेपी की तरफ से। बीजेपी को कह रहे हैं कि आप इस तरह की स्कीम से अब लॉन्च की गई है बीजेपी में, आपकी सरकार में इस तरह की स्कीम क्यों नहीं लॉन्च की गई थी? क्यों न्यूनतम आय योजना उस वक्त नहीं लाई गई थी? इस वक्त जब आप सत्ता में नहीं है, सत्ता में आने के लिए लोक लुभावन हमने हमने अगर मनरेगा देने की कोशिश किया, अगर हमने मनरेगा वो उसी स्टेप में था। 5 साल कोई स्टेप नहीं उठता है। तब आपने क्या किया? तब न्यूनतम आय योजना क्यों नहीं लाई गई जनता के सामने? बेरोजगारी तब भी थी, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। कैलकुलेशन तो आती नहीं है। 12,000 आपका रुख करूंगी। जिस तरह से लगातार कांग्रेस का कहना है कि रोजगार के काफी सारे स्रोत मुहैया कराने के लिए उनके पास तमाम स्कीम है, और बीजेपी ने कहा है कि डेटा उनका जो है वो काफी ईपीएफओ का स्ट्रांग बताया जा रहा है, क्या लगता है बेरोजगार जो कल भी था आज भी वही बेरोजगार है, वही युवा नौकरी की तलाश करते हुए इधर से उधर घूम रहा है, किस तरह की रोजगार योजना लाई गई है जरा किसी भी सरकार की तरफ से? देखिए मैं आपको बताऊं, इसको ब्रॉडर लेवल पे जरा आप समझिए स्वाति। देखिए है क्या सवाल, ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या, पूरा देश एक परिवार है, और उसमें सपोज एक एग्जांपल लीजिए, अगर 100 लोग बेरोजगार हैं तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि 100 लोगों को रोजगार मुहैया करवाए उनके योग्यता के हिसाब से। लार्जर पार्ट ऑफ आपकी सोसाइटी बेरोजगार पड़ी हुई है। 100 करोड़ की जनसंख्या में आपने एकाध करोड़ भी नहीं 25-50 लाख को रोजगार आपने दे दिया, और आप ये बोलो कि जी हमने तो अपने सारे वादे पूरे कर लिए, हमारी जिम्मेदारी मुक्त हो गई, मैं चला गंगा नहाने, हमारी जिम्मेदारी मुक्त हो गई, मैं चला गंगा नहाने। सारे सरकारों की हालत यही है। तभी 70 सालों से मैं बोलता हूं कांग्रेस बेरोजगारी दूर नहीं कर पाई, तो बीजेपी और दूसरी पार्टियां भी तो बेरोजगारी ही मेन मुद्दा बना रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जैसे बीजेपी बोल रही है ईपीएफ वगैरह इन सब में एनरोलमेंट बढ़ रहा है, भाई इसके 2 फैक्टर है। आपने डंडा चलाया, आपने फोर्स किया होगा। पहले बहुत से लोग ऐसे थे जो रोजगार में थे लेकिन वो ईपीएफ वगैरह इन सब में इनरोल्ड नहीं थे, क्योंकि हमने काम किया है, कंपनी वाले नहीं करते थे, वो गलत था कि सही था। तो हो सकता है जो पहले से काम कर रहा है उन्हीं को इनरोल कर रहा है, तो न्यू जॉब क्रिएशन आप उसको मत मानिए। बेरोजगारी दूर करने का एक मिनट, बेरोजगारी दूर करने का मतलब है जो बेरोजगार है उनका रोजगार गारंटीड रहे, सुरक्षित रहे, जो नए लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनको नई जॉब मिले। सारी सरकारें इसमें फेल है,
इसीलिए आज भी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यह है बेरोजगारी या उससे इनडायरेक्ट वे में जुड़े हुए, यानी कि अगर हम आपको तनख्वाह नहीं दे पा रहे, नौकरी नहीं दे पा रहे, तो 12,000 रुपए महीने ले आपका रुख करेंगे। और ये आधिकारिक आंकड़ा है, सबसे ज्यादा आंकड़े तो आप छुपाते हो, आंकड़े तो आप पढ़ने आता हो तब आप तो 12x12 कर देते हो, आपको तो एबीसीडी तो पता नहीं है आप क्या आंकड़ों की बात करोगे। अगर कोई आंकड़े किसी हिसाब से दे रहा है, 50 बार रफेल की बात करते हो, 50 आंकड़े बताते हो, आंकड़े की बात करेंगे आप, उन अधिकारी को आप नौकरी से हटा देते हो, वो तो आपकी सरकार के अंदर यही हो रहा है। नौकरी से भ्रष्टाचारी हटाए जा रहे हैं और कोई अधिकारी नहीं हटाया गया। अगर कोई कांग्रेसी बेरोजगार बैठा है तो इसका मतलब नहीं कि देश बेरोजगार बैठा है। और चैलेंज करता हूँ कांग्रेसियों को, हिम्मत है तो जनता के बीच में जाके आंदोलन करके दिखाए, हिम्मत है तो जनता के बीच में क्यों नहीं जाते राहुल गांधी, क्यों जनता के बीच में मोदी के खिलाफ बात नहीं करते? आज के नेता आपकी रैलियों में मोदी मोदी सुन के आते हैं, क्या ये मोदी जी का विजन की देन नहीं है? क्या मोदी जी के विकास की देन नहीं है? आपके नेताओं को आज कार्यकर्ता रैली में भीड़ लाने के लिए 12-15 करोड़ पता नहीं किस आंकड़ों का जिक्र कांग्रेस की तरफ किससे किया जा रहा है या किन आंकड़ों का जिक्र बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जमीनी तौर पर किस तरह के आंकड़े देखने को मिलते हैं? क्या लगता है किसान उसी स्थिति में है जिस स्थिति में वो 70 साल पहले था, या फिर कुछ स्थिति बदली है? देखिए, आप इस गैप को समझिए। मैं ये मानता हूँ किसानों की स्थिति या आप ये देखिए लाइफ स्टाइल, सबकी ग्रोथ हुई है, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल ग्रोथ हुई है तो उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी ग्रोथ हुई हैं, तो गैप जो रहता है ना, जो पीड़ा का एक गैप रहता है आज आम आदमी या किसानों के लिए वो उतना ही है। भाई पहले क्या होता था, लोग 100 रुपए महीने का कमाते थे लेकिन पूरा परिवार चल जाता था, आज 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं फिर भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि महंगाई उससे कहीं तेजी से बढ़ी है। इसी तरीके से नंबर ऑफ फार्मर्स, उनकी फैमिली में संख्या जो है बढ़ गई है लोगों की। तो सवाल देखिए, सवाल मुद्दा यह है ना कि जो ये लोग क्यों इतने जल्दी, मैं बोलता हूं कि सारे नेताओं को चुनाव के एक महीने पहले ही उनके दिमाग इतना तेज हो जाता है कि ऐसी ऐसी योजनाएं आती हैं, 5 साल तक आती नहीं है। देखिए, रोजगार क्रिएट करना ये इतना आसान नहीं है कि आपने बस ऑफर कर दिया, लॉन्च कर दिया, चाहे बीजेपी ने किया हो 6,000 5,000, चाहे ये 12,000 हो चाहे 15 लाख, एक रोजगार एक आदमी को नौकरी देने के लिए आपको एक फैक्ट्री लगानी पड़ती है, फैक्ट्री लगाने के बाद प्रोडक्शन शुरू करो, प्रोडक्शन के बाद ये भी इंश्योर करना होता है कि वो माल खपेगा कहाँ, ताकि इनकम होती रहे और लोगों को तनख्वाह मिलती रहे। ये बड़ा लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, और हैरानी की बात यह है हमारे सारे नेता एक महीने में ही सारा विकास कर देते हैं, डिक्लेयर कर दिया चुनाव के पहले, इसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं है कि पूरा प्रोसेस को, पूरी साइकिल को वो डिटेल में बताएं। राहुल गांधी जी ने भी ये बोला था, उनसे पूछा गया पैसा कहां से आया, बोले आप चिंता मत करिए, वो एक मेगा प्रोजेक्ट है, वो सब हो जाएगा जैसे मनरेगा किया था। साहब, 4 लाइन आप बोल तो दिए होते, शरद यही चीज मोदी जी के बारे में भी बोलूंगा, 15 लाख आएंगे, शरद जी मैकेनिज्म तो बता दिए होते। पॉलिसीज बहुत सारी जनता के सामने चुनाव के एक महीने पहले लेकर आई जाती है, लेकिन चुनाव के बाद टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई क्यों हो जाता है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, आप सुनिएगा स्वाति, आपने बोला टर्म एंड कंडीशन अप्लाई क्यों हो जाती है स्कीमों के लिए, मैं करेक्शन करूंगा, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड नहीं होती है। 2 महीने इलेक्शन के बाद देखिएगा, ये जो ऑफर है ना, नल एंड वॉइड, यानी दिस ऑफर इज लिमिटेड अप टू ओनली लास्ट डे ऑफ वोटिंग। टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड वाली भी हो तब भी देश का विकास हो जाए, चुनाव के बाद तो वो पूरा ऑफर ही इनवैलिड हो जाता है, खत्म हो जाता है। टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड नहीं होती है। 2 महीने इलेक्शन के बाद देखिएगा, ये जो ऑफर है ना, नल एंड वॉइड, यानी दिस ऑफर इज लिमिटेड अप टू ओनली लास्ट डे ऑफ वोटिंग। टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड वाली भी हो तब भी देश का विकास हो जाए, चुनाव के बाद तो वो पूरा ऑफर ही इनवैलिड हो जाता है, खत्म हो जाता है। बिल्कुल, ये चीज देखने की बात है। आपका रुख करूंगी, 5 साल के कार्यकाल में जो बीजेपी सरकार की जो तमाम योजनाएं थी उनको लेकर आप कितने नंबर्स देंगे और कितने इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका, उसको देखते हुए? देखिए मिश्रा साहब, आपका विश्लेषण। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर गवर्नमेंट कितनी सक्सेस हुई आउट ऑफ 10 बीजेपी की गवर्नमेंट, मैं 3 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा। उसका रीजन है, ठीक है, इथिकली इन्होंने करेक्ट कर दिया, मोरली ये डेडिकेटेड थे। एक गैप नजर आता है मुझे इस सरकार में, योजनाएं जब इंप्लीमेंट होती है ना, तो इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या होते हैं, इस चीज का गहन अध्ययन या अनुभव नहीं था। इसका लाइव एग्जांपल है,
जब नोटबंदी हुई तो आपने बोला इतने दिन में जो है वो हमारे वित्त मंत्री ने बोला था कि वो जो खांचा है एटीएम का साइज सही नहीं है, एक हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, नहीं हुआ। इन्होंने 50 दिन का स्कीम को अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या मोदी जी जिम्मेदार है? अगर कमलनाथ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसा की प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया में थी, क्या वो दूसरी जगह मोबिलाइज कर देंगे? ऑल ओवर इंडिया में एटीएम की प्रॉब्लम थी, इंप्लीमेंटेशन टोटली राज्य सरकारों का सब कुछ होता है और राज्य सरकारों की नीयत पे डिपेंड करता है। ये चीजें होंगी, नहीं हुआ। बिल्कुल, चलिए, ये तो चुनावी एजेंडा होता है, चुनावी वाद